जी हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, बीएसपी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने इटावा लोकसभा सीट से महिला प्रत्याशी को मौका दिया है। बीएसपी पार्टी ने सरिका सिंह बघेल को इटावा से टिकट दिया है। सरिका सिंह बघेल ने अपनी राजनीति की शुरुआत साल 2009 में हाथरस से की थी। यहाँ से वो लोकदल और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ी थी और लोकदल से चुनाव जीत गई थी और सबसे कम उम्र में युवा महिला सांसद बन गई थी। उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में आ गई, फिर बाद में भारतीय जनता पार्टी में साल 2019 से काम कर रही थी। सरिका सिंह बघेल इटावा शहर के रामनगर मोहल्ला की रहने वाली हैं। उनका ननियाल भी धौकरन टोला में है और वो पूर्व विधायक घासीराम की पोत्री हैं। हाथरस की पूर्व सांसद सरिका सिंह बघेल को इटावा लोकसभा सीट से बीएसपी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यह जानकारी बीएसपी के जिला अध्यक्ष सुनील कुमार जाटव ने दी है। उन्होंने बताया कि बीएसपी पार्टी अध्यक्ष मायावती ने आज शुक्रवार को उनका टिकट फाइनल कर दिया है और वो इटावा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी। इसके अलावा बीएसपी पार्टी ने हाथरस से भी उम्मीदवार घोषित कर दिया है। बीएसपी पार्टी ने हाथरस लोकसभा सीट से हेम बाबू धनगर को प्रत्याशी बनाया है। हेम बाबू धनगर पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उन्होंने कहा कि वो विकास के नाम पर लोगों से वोट मांगेंगे। देश में बढ़ रही बेरोजगारी बीएसपी का सबसे बड़ा मुद्दा है और बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मुनकाद अली ने बताया है कि पार्टी पूरे दमखम के साथ हेम बाबू को चुनाव लड़वाएगी और बीएसपी का हर जगह मुकाबला बीजेपी से है। उन्होंने कहा कि बीएसपी पार्टी अलीगढ़ लोकसभा सीट से भी प्रत्याशी जल्द घोषित करेगी। थैंक यू।